₹4500 से प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, और ये देखिए जाने को फिर 20,000 तक जाती है। जो M2 चिप है ना एप्पल, आपको मात्र 20,000 में दे दूंगा M2 चिप। ये वो लैपटॉप हैं जो कस्टमर अमेज़न की वेबसाइट के थ्रू एक्सचेंज में वापस देते हैं अपग्रेड करने के लिए या कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए, और वो लैपटॉप सीधे हमारे पास आते हैं। i7, i5, i3, Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, एप्पल में M1 चिप चाहिए, M2 चिप चाहिए, अच्छा वहां तक मिल जाएगा, वो सब रेंज आपको मिलेगी पूरी। हफ्ते में 2 बार गाड़ी आपको फ्लिपकार्ट की यहाँ लगी मिलेगी। क्या बात, जिसको चाहिए पूरे लोड के लोड पे डील करो, पूरे लोड के लोड बिल करा लो सारे। कैसे संदीप भैया? एकदम बढ़िया अभिषेक भैया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, और बिना टाइम वेस्ट कर आ जाता हूँ आपके पास में कि भैया क्या नई इन्वेंट्री आज, लास्ट में वादा किया था। इन्वेंट्री पूरी पीछे, सबसे पहले तो थैंक यू, आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ बुलाकर। अरे मैं कह रहा हूँ परेशान करते रहो, भाइयों को फायदा होना चाहिए। भाइयों को फायदा, जो आपने लास्ट टाइम पूछा था ना नई इन्वेंट्री, ये पूरी लगी हुई नई इन्वेंट्री सारी। ये तो अमेज़न है, अमेज़न के हमने प्रिंटर कवर करे थे, प्रिंटर भी नहीं लग रहे, ये कुछ लग रहा है मॉनिटर टाइप। क्या लेकर आए आज, क्या नया धमाका करने जा रहे हो? आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अमेज़न के लैपटॉप, अमेज़न के लैपटॉप्स। हाँ, करंट मार्केट में आपने देखा होगा लैपटॉप अभी काफी लोगों को डिमांड चल रही है, लोगों की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे पास, आपको बैक टू बैक दिखाता हूँ, माल की कोई शॉर्टेज नहीं, अमेज़न छोड़ो फ्लिपकार्ट में ये लगा पड़ा और ये लगा पड़ा, फ्लिपकार्ट की भी नहीं है कमी, फ्लिपकार्ट की भी नहीं है, फ्लिपकार्ट के लैपटॉप जी। और अभी गाड़ी बाहर आ रही है, मैं उसको भी वीडियो में भी कवर कराऊंगा, गाड़ी को आने तो उसको भी दिखाऊंगा लैपटॉप कैसे उतर रहे हैं फ्लिपकार्ट की भी। क्या बात है, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अमेज़न के लैपटॉप। ये वो लैपटॉप हैं जो कस्टमर अमेज़न की वेबसाइट के थ्रू एक्सचेंज में वापस देते हैं अपग्रेड करने के लिए या कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए, और वो लैपटॉप सीधे हमारे पास आते हैं। तो इसमें तो काफी एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता होगा कस्टमर्स भाइयों को। देखिए कस्टमर एंड पे तो अलग है, जो सेल करते हैं उसमें तो क्या होता है कि अमेज़न अपना कुछ एक मिनिमम रेट बताता है बिड करने के लिए, उस पे भी काम होता है, प्लस कई बार ब्रांड का डिस्काउंट मिल जाता है बाय बैक पार्टनर को, कई बार कस्टमर को ब्रांड एक एडिशनल डिस्काउंट देता है 1,000-2,000 रुपए का, तो कस्टमर पार्ट है। बट हमारे एंड पे अगर मैं बात करूं, इसमें हमको इस माल को अरेंज करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पिकअप आप ये समझो, एक लैपटॉप पता पड़ी हरियाणा से है तो दूसरा पंजाब से है, अलग अलग चैनल के थ्रू। जैसे कि मैं दिखाऊं, अगर ये लैपटॉप गुड़गांव से बहुत पड़ोस से आया हुआ है हमारे को, ये HP में i5 होने वाला है। okay. तो इसी तरह से इन्वेंट्री जो होने वाली है ना, ये जैसे कि अपने एक लैपटॉप है, ये काफी दूर से पुणे से, इस तरह की इन्वेंट्री देखिए पन्नी में भी आती है, और इन्वेंट्री इस तरह की देखिए डब्बे में भी आती है पूरी सारी इन्वेंट्री। okay. तो हर तरह, हर रेंज, हर तरफ का माल आपको मिलेगा लैपटॉप यहाँ पे, जिसको सिंगल सिंगल पीस की इन्वेंट्री चाहिए ना जैसे, तो सिंगल सिंगल पीस की पैकिंग आती है अमेज़न के माल में। ठीक है, तो अब आपको अमेज़न की इन्वेंट्री लैपटॉप्स में भी मिलने वाली है। अमेज़न के हमने लास्ट आपको फोन्स दिखाए थे, P2P सेगमेंट दिखाया था, उससे पहले प्रिंटर्स दिखाए थे, और अब कुछ भी नहीं छोड़ रहे भैया, अब लेकर आ चुके हैं फ्लिपकार्ट लैपटॉप के साथ में अमेज़न के लैपटॉप्स भी। एक पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया, ब्रीफिंग दे दी कि भैया कैसे लैपटॉप होते हैं और क्या सोर्सिंग होती है इनकी। अब इसमें मिनिमम क्वांटिटी क्या रहने वाली है, इसमें किस तरह का स्टॉक निकलता है, रेट्स में क्या डिफरेंशिएशन रहता है, थोड़ा सा अगर ये डिटेल बता सके। अभिषेक भाई, इसमें क्वांटिटी तो मिनिमम वही रहेगी 5 पीस की, हमने 5-5 पीस के छोटे छोटे मिक्स लोड करके आपको माल देंगे। ओके, तो 5 पीस की मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम तो आपको अगर 100 पीस की, अभी आप 100 के 100 पीस उठा लेना ऐसे। ठीक है, क्वांटिटी की अगेन कोई कमी लैपटॉप में ना पहले थी ना आज, क्वांटिटी जिसको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी जी। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी के अलावा, इसमें प्राइस में बाद में आते हैं कि इसमें कस्टमर को बेनिफिट क्या होने वाला है जी। देखिए इसमें क्या है, माल परचेज करना वो सारा हमारे हाथ में है, हम जो अमेज़न के बाय बैक पार्टनर हैं, हम जिस मॉडल पे चाहे, जिस प्रोसेसर पे चाहे, हम उसी पे माल पिक करते हैं। ठीक है, करंट में भी हम माल उठा रहे हैं सारा, इसमें HP, डेल, लिनोवो, एसर, आसूस और एप्पल। ठीक है, इसका मतलब आपको सारे रनिंग में आपको ब्रांड दे रहा हूँ, कोई ऐसे में ब्रांड नहीं दे रहा कि मतलब मैं बात करूं, मैं आपको कॉम्पैक आ रहा है या तोशिबा आ रहा है या कोई ऐसा ब्रांड अभी तक आ रहा है कि जो आपके पास ना चलता हो, प्रोसेसर आपको सारे लेटेस्ट देने वाला हूँ उसमें। Okay. i7, i5, i3, Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, Apple में M1 चिप चाहिए, M2 चिप चाहिए, अच्छा वहां तक मिल जाएगा, वो सब रेंज आपको मिलेगी पूरी इसमें। बहुत अमेजिंग। मैं कहता हूँ कोई पार्टनर कहता है भैया उसको सस्ते लैपटॉप चाहिए, बता देना वो भी मंगा के दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी okay. अपनी कोशिश ये है कि अमेज़न पे आपको जो रनिंग मॉडल है वो सारे मंगा के दिए जाए, तो ब्रांड आपके हाथ में, जिस भी भाई को चाहिए ना कि मेरे को तो Ryzen सीरीज पे काम करना है, Ryzen 7, Ryzen 5 पे, आपको Ryzen 7, Ryzen 5 मिलेगा, उसके अलावा मैं आपको कोई प्रोसेसर नहीं दूंगा,
आपकी चॉइस के हिसाब से मैं दूंगा माल। वो ये कहता है मुझे खाली लेनोवो पे काम करना है, एप्पल पे काम करना है, एप्पल चुनके ले जाना, मैं आपको एप्पल पे दे दूंगा जितना माल पड़ा होगा। सारी चॉइस होने वाली है आपकी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी हो गई, ब्रांड आपकी चॉइस हो गई, प्रोसेसर आपका चॉइस हो गया, अब बात करते हैं इसमें हम प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। मैं प्राइसिंग जैसे अगर नस्ल में दिखाना चाहूँ जी, 4500 रुपए से प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। और ये देखिए जाने को फिर 20,000 तक जाती है। जो M2 चिप है ना एप्पल, आपको मात्र 20,000 में दे दूंगा M2 चिप वाला। और इसके अलावा आप बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर मॉडल पर आपको चाहिए, ये हमारा प्राइस टैग हमने ट्रेंड फाइल बना दी है, जिसको भी चाहिए वो ये फाइल मंगा ले हमसे। इसमें आपको सारे मॉडल दिए जाएंगे, एचपी में किस रेंज का क्या माल किस रेंज में चल रहा आपको मिल जाएगा। राइजन 7 की मैं अगर बात करूं, राइजन 7 आपको 13,500 में मिल जाएगा एचपी का, वो भी। और फायदा क्या होने वाला है आपको, राइजन 7 के साथ में कोई सेलरॉन प्रोसेसर, ड्यूल कोर, पेंटियम कोर टू डियो, वो माल नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें आपको ये फायदा है कि आपको आपकी चॉइस के प्रोसेसर मिलने वाले हैं, बड़ी रेंज के साथ में छोटी रेंज का मिक्सअप नहीं है। और जिसको छोटी चाहिए उसको छोटी रेंज में बड़ी रेंज का मिक्सअप, किसी को चाहिए केवल AMD और i3 सस्ते सस्ते, आप AMD i3 की रेंज अपनी बना लेना, आपको मैं Ryzen 7 या i7 नहीं दूंगा पूरी। ओके, अपने चॉइस की इन्वेंटरी ले सकते हैं, पूरी चॉइस डीलर के हाथ में, अपनी चॉइस की इन्वेंटरी ले सकते हैं। और माल की फ्रेशनेस मैं आपको बताऊं, ये भी जो माल आ रहा है आप डाटा लो, जिस दिन आपको बुकिंग चाहिए चाहे घर बैठे कोरियर से मंगा लो चाहे ऑफिस आके माल ले लो। Okay. इस तरह का पूरा माल आपको मैंने डिस्प्ले में लगा दिया। अभी कितनी इन्वेंटरी होगी भैया अमेज़न वाले लैपटॉप्स की? भैया अमेज़न की इन्वेंटरी इन टोटल करीबन 200 के आसपास, 200 सवा 200 की इन्वेंटरी अभी करंट में जो है, अभी कुछ माल है डिस्पैच में निकलता भी जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अभी ये स्टार्ट हो गया निकलना अभी? अभिषेक भाई आपसे हम बैक टू बैक वीडियो कर रहे हैं, पहले आपसे मोबाइल की वीडियो करी आपकी की, फिर आपसे हमने अमेज़न मोबाइल की करी, तब तक माल तो रेगुलर आता जा रहा है पूरा। ओके। इसमें क्या होता है जैसे फ्लिपकार्ट पे सिंगल शॉट हमको 50 लैपटॉप 100 लैपटॉप 200 लैपटॉप का लोड मिलता है, इसमें तो डेली बेस पे माल आता है, इसमें किस दिन 10 पीस, किस दिन 15 पीस, किस दिन 20 पीस, किस दिन 5 पीस भी। ओके। इसमें क्या है इंडिविजुअल कस्टमर से माल पिक होके हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई ये नहीं कि जैसे माल पिक हुआ वहां पर फिर हमने 50-60 पीस लेता है, इसमें तो इंडिविजुअल पीस है, इंडिविजुअल पीस आ रहा है और हैंड टू हैंड सेल होता जा रहा है, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलर ब्रांड्स में काम कर रहे हैं और अपर सेगमेंट के प्रोसेसर अपर सेगमेंट के प्रोसेसर में काम कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो कुछ इन्वेंटरीज शोकेस कर सकते हैं, एक दो पीसेस अगर हम ओपन करके दिखा सके? ऐसा बोले मैं वो शोकेस कर दूं, सारा माल है, देखिए अगेन इसमें कुछ नहीं, आप जो बोलोगे एक मॉडल मैं उठाता हूं एक मॉडल आप बताते हैं वो उठा के कर देते हैं, जैसा बोलो बताएं कहां से उठाना है, कोई भी ओपन कर देते हैं, ये वाला पीटी ओपन कर देते हैं। और अच्छा, इसमें स्टॉक जैसे अगर आपने अभी तक अनबॉक्स किया हो ओके निकल रहा है या फिर कुछ मतलब क्या? देखिए इस तरह के मैं माल में बात करूंगा अमेज़न की, तो मेजर जैसे मोबाइल में कंप्लेंट आती है मॉडल मिसमैच की, राइट? आपको कुछ एक आधा परसेंट केस मॉडल मिसमैच का आ सकता है, क्यों? क्योंकि माल जो सील पैक पीछे से आएगा मैं उसी में एजिटिव डील करूंगा, पैकेट टू पैकेट हम इसमें कोई क्यूसी करके डील नहीं कर रहे। अगर क्यूसी करके डील करूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो मॉडल आएगा जो प्रोसेसर आएगा आपको वही करेंगे, बिल्कुल। लेकिन मॉडल मिसमैच के केस में जो भी डिफरेंस होगा हम लोग कस्टमर से बैठ के वो कहीं ना कहीं कस्टमर को लॉस नहीं होने देंगे, हाँ, वो एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। रही बात टूटे हुए की, अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट टूटे हुए की तो नहीं आई है इस माल में एक्चुअली। ओके। अगेन मैं जो समझ पाता हूँ रीजन ये भी है कि माल डायरेक्ट कस्टमर से आ रहा है, अमेज़न ने जब लैपटॉप पिकअप करे तो जो भी उनका प्रोसेसर देखते हैं वो ब्रोकन तो वो कम से कम देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक एडिशनल बेनिफिट उसमें हो जाता है। Right. तो मेरा उसमें यही है कि कुछ अगर प्रॉब्लम आती है कुछ मॉडल मिसमैच की आती है तो बैठ कर लोग एडजस्ट कर लेंगे, इसमें कोई नेटवर्क का इशू तो होता नहीं है लैपटॉप में, फोन के द्वारा नेटवर्क नहीं आ रहे, राइट? या फिर इसमें क्यूसी करनी है। रही बात दूसरी डेड की, तो कोई डेड लैपटॉप के हमको कोई भी चैलेंज है, जब मैंने कहा कि ब्रोकन ही नहीं आया तो डेड का भी कोई इसमें इशू नहीं आया। एग्जैक्टली। इन्वेंट्री भी मैंने मतलब जितनी इस तरह की देखी, हमने कुछ अपनी रेफरेंस के लिए इन्वेंट्री खोली है, जो भी डीलर पार्टनर्स को इन्वेंट्री की उन्होंने भी खोली, तो ऐसा इन्वेंट्री का सच कोई इशू नहीं आया अभी। वो कवर करना है देखो इसलिए जरूर क्योंकि जैसे कि भैया ने बोला कि आपको एज इट इज ही जैसे पीछे से पैक्ड स्टॉक आ रहा है वो आपको हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी अगर कुछ भी होता है तो वो कवर हो जाएगा। अभी आज का डिलीवरी है, अभी थोड़ा सा लाते उधर पानी लग गया है, तो मैं इसमें खोल के दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें पहले एक पैकिंग कॉल डीलर को बता दो कि देखिए पैकिंग का क्या है। देखिए ये कस्टमर पता पड़े हरियाणा से पिक है, पंजाब से पिक है, कोई पैकिंग इसमें ऐसी होके आती है, कोई पैकिंग इसमें ऐसी होके आएगी, कोई पैकिंग इसमें ऐसे डब्बे में अमेज़न के भी होके आएगी, कोई ऐसी लाल टेप से पैक होके आ रहा है,
कहने का मतलब खाली ऐसे पॉली में भी आ जाता है? हाँ, ऐसे पॉली में भी आ जाता है। अच्छा, जो भी आएगा वो उस तरह का आपको भी दिखेगा पूरा सारा वो। ठीक है, तो एक ये बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा मॉडल है। इस पर भी फिलहाल जो बाहर जो डिटेल्स रहते हैं एक बार दिखा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिटेल तो हमने स्कैन करके इसमें देखा था, तो ये लिखा हुआ है एप्पल का लैपटॉप okay, है। ओके okay, okay. वो तो हम आपको जो एक्सेल देंगे आपको पूरा एक्सेल में डाटा देंगे बकायदा। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। अरे क्या बात है, ये मैकबुक निकल चुका है अपना। मैकबुक में देखते हैं कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का है मैकबुक। मैकबुक ईयर लग रहा है, हाँ, और शायद 2017 लग रहा है मुझे तो, बाकी भैया बताएंगे। वो मेरे को एक बार ओके वो स्कैन करके होगा कि 2017-18 क्या है पूरा भी, क्योंकि इसकी डिटेल सारी हमारे पास जो एक्चुअल है उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी सारी, कि कौन से मॉडल का कैसे क्या है। बट कंडीशन क्लीन है, सुपर है, साफ बिल्कुल। देखिए कंडीशन पूरी नीट क्लीन सुपर है। काफी जगह में जैसे अपने उस दिन मोबाइल खोले थे उसमें दिखाए थे कंडीशन, लैपटॉप में भी कई बार तो क्या होता है पूरी बैटरी भी चार्ज आती है। ओके, अभी किसका लैपटॉप है, कोई मनोज नाम के बंदे हैं उनका लैपटॉप आया हुआ है, ये देखो। ठीक है जी, सुपर स्लिम मॉडल है मैकबुक एयर। प्रॉपर डिटेलिंग आपको पता लग जाएगी जब आप परचेसिंग लेंगे। यहाँ पे हम कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहे हैं। अमेज़न का स्टॉक आप लेते हैं तो क्या प्रॉपर्टी निकलती है आपके स्टॉक की, एक ही मॉडल निकाल लेते हैं। डब्बा बिल्कुल पेटी पैक सील्ड पैक है, हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया हुआ, पैकेजिंग काफी अच्छी सुपर। पैकेजिंग हर अमेज़न की हर तरफ से जो अलग अलग आती है ना उसी में थोड़ा सा रहता है, ये यहाँ से ही ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसमें भी सेम बाहर मॉडल का नेम नहीं लिखा होगा, वो स्कैन करके पता लगेगा। नहीं हम हाँ स्कैन करके पता लगेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे आपको हमारे लैपटॉप के ऊपर डब्बे पे लिखा दिखा देंगे कि कैसे क्या है पूरा। ओके, तो डिजाइन पे अच्छी डब्बे करके दिया हुआ मॉडल है। वाओ, ये देखिए ये निकला है लेनोवो का, नीट एंड क्लीन कंडीशन देखिए लैपटॉप की, बहुत बढ़िया। मतलब अमेज़न पे अभी तक हम जितना भी देख रहे हैं फीडबैक बहुत बढ़िया, टूटे हुए की कंडीशन तो उसमें कोई ऐसी अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। दोनों ही लैपटॉप जो निकाले हमने, आप बता दीजिए भाई, कोई नीचे से निकालना है, ऊपर से निकालना, आगे पीछे से, एक लाल चंदी खोले क्या? खोल देते हैं लाल एक और, खोल देते हैं, एक आइडिया तो लगी जाए हमारे भाई को ज्यादा ज्यादा कि किस तरह का लैपटॉप निकल रहा है अपना। बाकी चार चीजें सारी कवर है आपको यहाँ से, जो भी हमने आपको बताया। चार्जर वगैरह का निकल रहा है क्या है इसमें फैसिलिटी? अच्छा, जैसे फ्लिपकार्ट में जो आप चार्जर दे रहे हैं अपनी साइड से, देखिए फ्लिपकार्ट में चार्जर जैसे देते हैं क्यूसी में, पैकेट टू पैकेट में नहीं देते। ओके, क्योंकि जो बॉक्स टू बॉक्स काम करते हैं उसमें तो पीछे से जो है वो सील तक मान लिया जाता है। ठीक है, क्या बात है, मतलब पैकेजिंग तो मुझे लग रहा है अलग से बनवाई इन्होंने, डिफरेंट प्रॉपर डेडिकेटेड लैपटॉप्स के लिए। माल पैकिंग के मामले में आपके अमेज़न के मोबाइल देखे, आपके लैपटॉप देखे, पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांजिट के दौरान माल सही सलामत पहुंचे वो सबसे ज्यादा मेन जरूरी है, तो पैकेजिंग मुझे लग रहा है बिहार जुडिशरी वालों का लैपटॉप आ गया। इस पर तो स्टीकर लगाए तो बिना चालान के पास होगा ये तो। क्या बात है जी, तो इस देखिए लैपटॉप अगेन जो मैं कह रहा हूँ टूटा हुआ कोई निकलता, टूटा हुआ लैपटॉप ये भी नहीं है। इसमें आपको अमेज़न में यही फायदा है कि आपको ब्रोकन इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं निकलने के चांस है। एक लैपटॉप हमने अपने लिए ये खोला था, ओपन पीस में दिखा रहा हूँ, देखिए कि बहुत छोटा सा लगा था पैकेट में, लेकिन देखिए Asus कॉम्पैक्ट छोटा सिंपल सा लैपटॉप कितना बढ़िया, कोई ब्रोकन नहीं है इसमें। तो जिसको भी पार्टनर को एक उस तरह से हटना है कि मेरे को ड्यूल कोर नहीं चाहिए, सेल नहीं चाहिए, पेंटियम कोर नहीं चाहिए, उस तरह की इन्वेंट्री से हटना है, या कोई कहते हैं वो कॉम्पैक्ट या तोशिबा सोनी सैमसंग पे काम नहीं करना, बड़े मॉडल पे जाना है, बड़ी ब्रांड्स पे जाना है, अमेज़न उनके लिए बेस्ट डील है। ओके, तो अमेज़न में डिटेलिंग कवर कर दी है आपके लिए, दो तीन मॉडल्स में हमने स्टॉक करके ओपन करके दिखा दी। एक ये ओपन कर ले, ये लीजिए जैसा बोलो, एक ये एज ई नॉर्मल पॉली में आया, इसमें देखते हैं कैसा स्टॉक है, उसके बाद कुछ डिटेलिंग लेते हैं और भैया से। तो और ये गाड़ी का पता करना है अगर आ जाए तो, वो भी दिखानी है आपने बोला था। ओके, तो ये वाला अनरैप करने के बाद में चलते हैं उस वाले इन्वेंटरी पे, गाड़ी दिखाते हैं आपको जो माल अभी अनलोड होना है। एक और हमने इन्वेंटरी ओपन कर लिए अमेज़न के लैपटॉप्स की, एचपी है शायद, एचपी का लैपटॉप है। ओके, मतलब लैपटॉप में तो मैं बताऊं हम इतना अभी तक करते जा रहे हैं, लैपटॉप पे कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। ठीक है, तो अमेज़न की इन्वेंट्री
में भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपना आगे स्टॉक लेना, जिसको भी लेना है। मिनिमम 5 पीसेज की क्वांटिटी है, कम से कम 5 पीस लेने पड़ेंगे, मिनिमम 5 पीस आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 इसमें से 2 इसमें से, फ्लिपकार्ट और अमेज़न मिक्स 3 इसमें से कर दिए, जो भी जस्ट 2 के भैया स्टार्ट करना है, ट्राई करना है। देखिए जिसको ट्राई करना है वो तो ऑफिस आएगा, उसको तो सब कुछ हम सिखा देंगे, समझा देंगे पूरा। ओके, जो बंदा ये काम कर सकता है वो बंदा ये काम हंस के कर सकता है, ये तो पक्की बात है। तो अमेजोन की हमने आपको इन्वेंट्री की जानकारी दी, बैक टू बैक हम आपके लिए डे बाय डे नई कैटेगरी लॉन्च करते जा रहे हैं। आप और कुछ बताइए, अगर आपके जहन में हो ना कि भैया उस कैटेगरी से पैसा कमा सकते हैं तो वो भी बता दो। पार्टनर को सजेस्ट करता कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, विषय भाई को मेल ड्रॉप कर दीजिए इनको कि किस तरह से उनको क्या माल चाहिए, कैसे चाहिए, हमसे क्या चाहिए, क्या उनके इनपुट है, क्या उनके सजेशन है, किस कैटेगरी में हमको हाथ डालना चाहिए, आप मेल कीजिए हमको, फोन पे बताइए, कुछ ना कुछ आपके फायदे का हम जरूर सोचेंगे। बिल्कुल, तो बताइए आपको किस कैटेगरी में काम करना है, आपको कौन सी कैटेगरी बिजनेस में फायदेमंद लगती है जिससे हम सबका फायदा हो जाए। कमेंट करो या मेल करो, फटाफट ट्राई करेंगे भैया वो भी लॉन्च करने के लिए। मैं आपको बाहर गाड़ी पे लेके चलता हूँ, उससे पहले दिखाता हूँ। देखिए ये फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री अभी यहाँ पे लगी हुई है, लेटेस्ट सीरीज जो चल रही है अभी, ये 138 का माल भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, 139 का माल भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो लास्ट वीडियो में दिखाया था। okay. तब पे अभिषेक भाई आप काउंट कर लो यहाँ से, मतलब मुझे कोई वो नहीं है, और अभी गाड़ी में आपको दिखाऊंगा माल, आपने समझो गाड़ी की गाड़ी उतर दी है, माल इधर आता है उधर निकल रहा है, जिस ही पार्ट वो लैपटॉप की वो वेट ना करे, चाहे अमेजन है चाहे फ्लिपकार्ट है, लोट आए और लोटा बुक करो ताकि आप अपना मैक्सिमम मार्जिन कमा सको। ओके, तो चलते एक बार अपने पार्टनर्स को लेके, बाद फिर वापस अंदर आते हैं एक बार गाड़ी दिखाने के लिए। चलो, तो अमेजोन वगैरह का हमने दिखा दिया आपको, अभी चल रहे थे थोड़ा सा जो फ्लिपकार्ट के लिए हमने बोला था कि फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री भी खत्म नहीं है, ले सकते हो, दिखाओ भैया, खत्म कुछ होगा नहीं, देर देख लो, सबको देख लो, गाड़ी अभी ये लो जी, फ्लिपकार्ट का एरा, फ्लिपकार्ट का माल को मिस कर रहे थे, लो जी फ्लिपकार्ट का माल भी आ चुका है, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं। डब्बे पे नंबर देख लो पूरा वीआरपी का, अभी भी देख लो 139 सीरीज, क्या बात है, जो मोबाइल वाली सीरीज थी कुछ दिन पहले, जो मोबाइल वाली लेटेस्ट में सेम, उसमें लैपटॉप चल रहे पूरे अभी, गाड़ी अभी आई है, अभी तो अनलोड करी नहीं है आपको, मैंने कहा दिखा दो सारे लड़के अनलोड करे, बंद कुछ नहीं है, लैपटॉप जो फ्लिपकार्ट के मार्केट में आपको बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पे गाड़ी गाड़ी आके उतर रही है, गाड़ी गाड़ियाँ बिक रही है, बहुत बढ़िया। तो अब अमेजोन के मतलब फ्लिपकार्ट तो था ही, अमेजोन भी मिल गया है और फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री भी लेटेस्ट आ चुकी है आपको, लेट इन्वेंट्री तो आप चिंता मत करो, हफ्ते में 2 बार गाड़ी आपको फ्लिपकार्ट की यहाँ लगी मिलेगी, जिसको चाहिए पूरे लोड के लोड पे डील करो, पूरे लोड के लोड बिल करा लो सारे, बहुत बढ़िया, मतलब पिछली सारी वीडियो से धमाके पे धमाके किया जा रहे हो, नई नई कैटेगरी इन्वेंट करते जा रहे हो अभिषेक भाई, आप सब भाइयों का मतलब आपका भी हमारा साथ है, पार्टनर्स का भी साथ है, बिल्कुल बिल्कुल, बस चलते जा रहे साथ में सारा उसमें बस, और सारे भाई लोग इतना सपोर्ट करते थे, प्यार देते, उनके लिए काम करने का भी मन करता है, नई नई इन्वेंट्री लाने का मन करता है। देखिए हम तो क्या, हम तो माल लाते हैं, जब आगे डीलर्स का प्यार है, माल आगे निकलता जा रहा है, तो उसी का रीजन है कि देखिए इन्वेंट्री फटाफट से फ्लो के फास्ट मूवमेंट में माल आगे निकलता जा रहा है, साथ में सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली इन्वेंट्री भी हमने आपको दिखा दी है, बिल्कुल अभी उतरने भी नहीं दिया, देखो माल तो सारा का सारा इन्वेंट्री अंदर है, ये देखो ये फ्लिपकार्ट का भी लॉट आ चुका है, लैपटॉप्स का भरपूर स्टॉक में, अमेजोन का तो हम आपको दिखा रहे हैं, तो कुछ और डिटेलिंग है वो कवर कर लेते हैं, अंदर चले भैया, फिर से अंदर चलते हैं, वापस भी दिखाते हैं पूरा भी, क्या बात है भैया, मतलब स्टॉक कैसे भरपूर कर रखा है आपने, मजा आ गया, बस बस अभी भाई प्यार चाहिए अपने पार्टनर्स का, क्या आपका साथ ऐसे ही मिलता रहे, बस ये तो चलता रहेगा पूरा, बहुत बढ़िया, तो प्यार और सपोर्ट हमेशा आप बनाए रखें, इतने एफर्ट्स इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि और क्या नया आइडिया आपके लिए सोचें, जिससे कि और ज्यादा आपको हम सहूलियत दे पाए आपके किसी भी बिजनेस कैटेगरी में। और बाकी जैसे कि हमने अभी इन्वेंटरी दिखाने से पहले, गाड़ी दिखाने से पहले आपको बोला कि कोई भी नया आइडियाज हो तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ में या भैया के साथ में, उन पे हम डेफिनेटली काम करने की कोशिश करेंगे। तो आज भी लैपटॉप इन्वेंट्री आपने दिखा दी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की भी, फ्लिपकार्ट दोनों से बात करते हैं जी, आज की वीडियो में एक रिक्वेस्ट है सारे पार्टनर्स से, जो भी स्क्रीन पे हम नंबर देते हैं आप हमारी कंपनी के बारे में केवल उन्हीं से कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी बैंक डिटेल केवल एक है जो नटराज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, इसके अलावा नोएडा के अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, इसके अलावा कोई अगर आपको चैट के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू दूसरा नंबर कोई बाहर का बंदा देता है उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन पेमेंट करने से पहले मेक श्योर जो नंबर अभिषेक भाई की वीडियो में आपको दिख रहे हैं आपका पूरा डिस्कशन उन्हीं नंबर से होता है और नटराज टेक्नोसॉफ्ट का अकाउंट नंबर ही आपको दिया हुआ है, किसी के पर्सनल अकाउंट में किसी के पर्सनल वॉलेट में कोई पैसे ना भेजे उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राइट, जो डिटेल्स
जो नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उन्हीं से कॉन्टेक्ट करें। कमेंट में कभी भी नंबर अपना पब्लिकली ड्रॉप ना करें, कहीं पे भी ना करें, हमेशा टाइम टू टाइम आपको डिस्क्लेमर देते रहते हैं। और बाकी ख्याल रखिए अपना, स्टॉक कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, आगे इन्वेंट्रीज क्या क्या लानी है आइडिया शेयर करें हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे एक नए दिन, और संदीप भैया आपसे भी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बिजनेस करें, मार्जिन्स कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, जय हिंद।